जब चुनाव आता है तो आपको कहा जाता है कि यहां की परंपरा बदलिए। अब देखिए, ये सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का प्रदेश है, उसी की भूमि है। मैं जानती हूं मंडी में शिवरात्रि का 7 दिन का उत्सव होता है, कुल्लू में दशहरे की परंपरा है, नाटी लोक नृत्य की परंपरा है, देश के प्रति समर्पण की परंपरा है। यहाँ के युवा, जैसे मैंने कहा, सेना में भर्ती होते हैं, देश की रखवाली करते हैं। यहाँ के कर्मचारी देश के लिए दिन रात एक करते हैं, सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ की परंपरा ये भी है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं लोग, कुछ बनाते हैं अपने जीवन का। आप खुददार लोग हो, आपने ये प्रदेश बनाया है, आपको गर्व होना चाहिए इस प्रदेश पर और अपनी परंपराओं पर। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इसकी एक वजह है, मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना, कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है, इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा।